पहले T20 में भारत ने कर दी ये चार गलतियां वरना नहीं मिलती हार। पहली गलती पड़ी सबसे भारी। नमस्कार, भारत और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज की शुरुआत हो चुकी है। इस सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हार मिली है। इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 148 रन का स्कोर बनाया। इसमें शिखर धवन ने सबसे अधिक 41 रन का योगदान दिया। इसके अलावा ऋषभ पंत ने 27 रन और श्रेयस अय्यर ने 22 रन बनाए। इस लक्ष्य के जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 19.3 ओवर में लक्ष्य हासिल किया। इसके साथ ही बांग्लादेश ने इस सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस सीरीज में भारत की हार के लिए 4 खिलाड़ी मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे। पहली गलती, कुणाल पांड्या ने बेहद अहम मौके पर मुशफिकुर रहीम का कैच छोड़ दिया। अगर वो कैच पकड़ा जाता तो भारत को आसान जीत मिल सकती थी। दूसरी गलती, खलील अहमद ने पारी में 19वें ओवर में 18 रन दे दिए, जिस वजह से भारत की जीत को उम्मीदें खत्म हो गई। तीसरी गलती, शिखर धवन ने अपनी पारी में 42 गेंद खेली लेकिन सिर्फ 48 रन बना पाए। वो क्रीज पर सेट होने के बावजूद तेजी से रन नहीं बना पाए। चौथी गलती, इस मैच में नंबर 3 पर खेलने आए केएल राहुल बुरी तरह से फ्लॉप रहे। वो 17 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। अगर वो इतनी गेंद खेलने के बाद ज्यादा रन बनाते तो भारत बेहतर स्थिति में होता।